नागौर का नाइट व्यू देखो ही, चलो दिखाता हूँ। कल हमें जो गए थे नागौर बीच को, वो तो बस ट्रेलर, पिक्चर अब दिखा दो सो क्या बोलता। आज की सुबह नागौर बीच के पास हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेख फैसल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेख फैसल व्लॉग। आग से खेलना कोई हमारे से सीखना, ये बताओ यहाँ तमिलनाडु की तो गर्मी को बर्दाश्त कर रही नहीं, वो एक खेल आग के साथ, इतनी खतरनाक धूप सुबह सुबह, वो भी क्या टाइम मालूम, ज्यादा भी टाइम नहीं, 9 बज रहे सुबह के, लेकिन ऐसी धूप पड़ रही है हमारे बेंगलुरु में, 2-3 बजे की धूप रहती नहीं है, वैसा यहाँ 9 बजे शुरू हो गई। अच्छा 34 डिग्री चल रही है हमारे बेंगलुरु में, 28 ठंडी, तुम ना शाम कुछ मिलते सो, और कल रात को यहाँ एक्सप्लोर थोड़ा बहुत दुकाना करे, वो वीडियो बना को हूँ, देख लो। नागौर का नाइट व्यू देखो ही, चलो दिखाता हूँ रात के 10:30 बजे क्या रौनक रहती है नागौर में। अब बोल गया रात का नाइट व्यू दिखा दूंगा, कहाँ है पब्लिक का? सो के जाको है ताली। मैं आया था अभी 10 मिनट पहले, पब्लिक भर 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 थी, देखना क्या है, दुकान आज बंद कर चलेगी। आधे घंटे पहले हम पब्लिक देखने नहीं होता था, तल लिखा ले को कहेंगे चलेगी पूरे हमारे बेंगलुरु में 12-1 बजे सोती, बात तो सही है, दुकाना करने 2 बजे तक रौनक। इडली में रहा इडली, हम लोग के पास इतना पैसा आ गया है कि हम लोग पानी भी लिमिटेड एडिशन ही पीते हैं। अरे बाबा, समझ में आया, जेलर का लिमिटेड एडिशन। और पिछले ब्लॉग में जो बोले थे वो याद रहेगा, वो नागौर बीच में जो हमें, वो तो सिर्फ आधा भीगे थे, थोड़ा आधा बहुत एंजॉयमेंट करे थे सो, अब जाको फुल एंजॉयमेंट करने जा। कैसे तैयार? नागौर बीच में फुल फंसी थी, मस्त मजा, पानी में खेल को, पानी 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 पहले मुझे पानी में डुबा दीजिए। इस हिसाब से गर्मी है नहीं, पानी में खेलना जरूरी, कोई भी आ रहा है तो उनको नहीं क्या वो बोल दे कि भाई चश्मा जरूर लेके आना, चश्मा जरूर लेकर, सनस्क्रीन के पैकेट पैकेट खाली होती है अलग है तो। अच्छा ऊपर से इधर आजू बाजू इंडिपेंडेंट घर बन ली, बंगलोस इंडिपेंडेंट हाउस, इतने अच्छे खूबसूरत बना को ही, जरा पुराने डिजाइन के ही, जरा नए डिजाइन के ही, जरा खूबसूरत दिख रही है, जरा जने के रेनोवेशन अभी चालू है। कल हमें जो गए थे नागौर बीच को, वो तो बस ट्रेलर, पिक्चर अब दिखा दो सो क्या बोलता, अब मजा आएगी, अब देख ले हमें पूरे सूखे हैं, मतलब जरा जरा पसीने में भीगी, पानी में निकलने के बाद देखो कैसा हालत क्या होकर रहती है लोग। अच्छा बकरियां मस्त झाड़ के नीचे सुकून से बैठी, Thank you.
राइट, आगे बीच के पास भी निकालो। सामने देखो व्यू, धूप के साथ में एंजॉय करेंगे। ये क्या क्या पानी ज्यादा सामने आ गए नहीं है? सबसे ज्यादा सामने आ गए, हमें बैठ लगते आराम से। चल से फर्स्ट तो डुबकी मार, फर्स्ट सेफ जाना और उसके बाद में हमारी एंट्री। क्या मजा आ रहा है, क्या बीच के लिए सब क्या आ रहा है, गोवा का समझ गए बीच। क्या वो मिल्कशेक? आई थॉट समथिंग एल्स। वागा ये हमें एंजॉय करते हुए ये बीच के पास। क्या जबरदस्त व्यू, क्या खाने पीने का मजा ये बीच के साथ है। आज की शाम नहीं, आज का सुबह। आज की सुबह नागौर बीच के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। व्यू चल से टाइम होगा। फोन ले लग बजा रही हूँ पानी में, सेफ का फोन गया तो परवा नहीं। आजा लहर मार, मार लहर मार, परवा नहीं बैठी गया। अरे बड़ी अरे बड़ी अरे ए, ये तो खराब भी नहीं आए, क्या तो सिंपल है। इससे मेरा फोन नहीं चला था, टेंशन लेना को बड़ी लहर कांगे, बड़ी लहर इंडिया माँ आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। पूरा एकदम गर्मी में ठंडा पानी, मजा आगा। और फोटोज भी लिए कैमरे में, जबरदस्त मजा। आप यहाँ से निकल रही, जल्दी नहा दो, तैयार होको, दरगाह शरीफ जाको, हाजरी दे दल को आखिरी सलामी, उसके बाद अपनी ट्रेन बैंगलोर के लिए शाम को इंशाल्लाह। पैसा दिखा, मजा, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मजा देखो, इन्हें भी पूरा भीग गए, मजा कर से पानी में लड़ा लड़ा को मारियो। मेरे कहाँ का रेत घुसा किसी को मालूम नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। रेत बहुत अच्छी है, बदन में खुजली शुरू हो जाती, जल्दी नहा लिया तो बरोबर। ऑल राइट दोस्तों,
अभी हमें आगे बैंगलोर वापस अपने शहर को। हमारी ट्रेन थी वॉच, यहाँ से जो हमें बैंगलोर से नागौर के लिए निकले थे, मतलब तंजावुर के लिए जो ट्रेन थी 7 बजे संडे के दिन भी, और 7 बजे शाम के ट्रेन थी। सो नागौर से तंजावुर गए, तंजावुर से बैंगलोर की ट्रेन पकड़ कर वापस आ गए। आने का ट्रेन का व्लॉग नहीं बनाया, क्यों तो उतना क्या भी एक्साइटमेंट में नहीं थे, ट्रस्ट भी नहीं अलग था बनाने, क्यों तो जाने में जितना एक्साइटमेंट रहता नहीं नई जगह एक्सप्लोर करने का, आने के टेम्पो थोड़ा बोरिंग हो जाता उससे। बात तो सही है। और मैं सोचा आने के टेम्पो क्या भी व्लॉग नको, सुकून के रात को सो जाएंगे, सीधा सुबह ही उतरने का रहता उसने, उससे कई को रात का एक दिन व्लॉग बनाना कर ले, नहीं बनाया। तो ये था सफर नागौर का, आई होप कि आपको ये सफर पसंद आया। 3 दिन का ट्रिप था, छोटा सा ट्रिप, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, मस्त हमें तो एंजॉय करे। ऐसे नए नए बीच बीच में ऐसे ऐसे ट्रैवलिंग के व्लॉग्स मिलते रहते हैं, तो ना नई नई जगह मतलब कर्नाटका के बाहर जाते रहेंगे, ऐसा निकलते रहेंगे, छोटे छोटे ट्रिप मारते रहेंगे। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दे, नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।